तो रिसेंटली रियलमी ने लॉन्च किए थे अपने 11 सीरीज स्मार्टफोन्स और वो थे रियलमी 11 एंड रियलमी 11 प्रो और आज हमारे पास एक और स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से और ये है रियलमी नार्जो 60 प्रो और इसके अंदर भी आपको दो वेरिएंट मिल रहे हैं नार्जो 60 एंड नार्जो 60 प्रो तो जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे आई ये स्मार्टफोन्स और कैसी इनकी परफॉर्मेंस तो ये है इसका बॉक्स और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नार्जो सीरीज का फोन है नार्जो 60 प्रो और पीछे की साइड इसके कुछ फीचर्स देख सकते हैं और वो है की कर्व डिस्प्ले। आपको इसमें मिलता है डेमेंसिटी सेवन फिफ्टी का फाइव जी टिपसेट हंड्रेड मेगा पिक्सल का ओ आई एस सिक्सटी सेवन वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट और जो बैटरी है वो है फाइव थाउजेंड एमएच की बैटरी और यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो ये जो फोन है आता है ट्वेल्व के रैम के साथ इसका जो मैक्स वेरियंट है और जो स्टोरेज है वो है वन टीबी की स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल रही है विच इज वेरी गुड टू सी इन मे इनबी मिड रेंज स्मार्टफोन है मुझे लगता है पहला है जो मुझे लग रहा है कि वन टीबी के साथ आपको अंदर मिल रही है आपको और जो वेरियंट है हमारे पास वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है मार्स ऑरेंज तो इसके अंदर आपको वीगन लेदर वाली फिनिश दी गई है इस फोन के अंदर और ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है एक और फोन से तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स के कॉन्टेंट तो मेन मैं इसको इसका रैपर जो है वो उतार रहा हूं। एक बार आपको मैं बता दूं ये वाला जो फोन है इसका मुझे लॉन्च प्राइस तो नहीं पता बिकॉज मेरे पास लॉन्च से पहले ही आ चुका है तो मुझे लगता है कि इसका जो लॉन्च प्राइस होगा वो अराउंड इस वाले वेरिएंट का तो ज़्यादा ही होगा बट इसका जो इनिशियल uh, वर्जन होगा वो मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास होना चाहिए तो जो भी इसका लॉन्च प्राइस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो तब जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स से कॉन्टेंट तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा है फील द पावर नार्जो और आई थिंक इस वाले बॉक्स में हमें एज यूजल इसका एक uh, uh, जो केस है वो मिल जाएगा तो येस इसके अंदर हमें मिलता है एक ये सिलिकन केस और ये भी मुझे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है एंड क्लियर है अगर थोड़ा सा डस्की से फिनिश होती तो ज़्यादा अच्छा होता बाकी आपको मिल जाती है डॉक्यूमेंटेशन और ये है इसकी सिम रूवल पेन और फिर मिल जाता है हमारा फ़ोन एट सेल अभी इसको रखते हैं साइड नोड देखेंगे थोड़ी देर में फोन को और बाकी बॉक्स में मिल जाता है आपको इसका चार्जर तो जो चार्जर है वो यहाँ पर लिखा है एटी वॉट का सुपर वूक चार्जर तो हालांकि ये जो फ़ोन है वो सपोर्ट करता है 67 सेवन वाट बट आपको जो चार्जर मिल रहा है वो 80 वाट का मिल रहा है विच इज़ गुड और जो केबल है यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग केबल ये एक नॉर्मल यू एस बी टू टाइप सी केबल है तो टाइप सी टू टाइप सी होती तो बेटर होता बट ये भी ठीक है तो ये थे हमारे बॉक्स के कॉन्टेंट अब देख लेते हमारे फ़ोन को तो ये है हमारा फोन Realme Narzo 60 Pro और सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये इसकी बैक तो बैक में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लेदर फिनिश है तो एक बार स्टिकर है जो हम उसको तार के साइड में रख लेते हैं ताकि जो लुक है आपको अच्छे से दिख सके तो ये है Realme Narzo 60 Pro और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है इसमें वो लग रही है इसकी जो ये लेदर फिनिश ये एक वीगन लेदर है और आपके पास जो डिजाइन दिख रहा है जैसे इसका नाम है वो है मार्स ऑरेंज प्रॉपर मार्स ऑरेंज वाली इसमें फिनिश आपको दी गई है और बीच में आपके पास अगेन थोड़ा सा सिमिलर डिजाइन दिख रहा है और वो है इसका कैमरा का यूनिट और अगर बात करें इसकी ओवरव्यू की तो यहाँ पर हमें मिलती है एक कर्व डिस्प्ले और ये जो डिस्प्ले है वो है सिक्स पॉइंट इंच की ओलेट डिस्प्ले फुल एच और ऊपर की साइड आपको मिलता है कैमरा का कटआउट और यहाँ पर इसका ईयर पीस और, और नीचे की साइड हम देखें तो यहाँ पर इसकी सिम ट्रे और इधर इसका माइक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर और साइड में आपको इस साइड तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो प्लेन फिनिश मिल रही है बॉडी हालांकि इसकी प्लास्टिक है मेटल होती तो बेटर होता और इस साइड हमारे पास इसका पावर बटन है और यहाँ है वॉल्यूम के बटन टॉप की साइड आपको मिल रहा है एक स्पीकर आई थिंक और यहाँ पर आपको मिल रहा है माइक और पीसी की साइड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फिनिश है इस फोन में वो एक लेदर फिनिश है और अगर आप ध्यान से टेक्सचर देखें तो टेक्सचर में आप देख सकते हो ये प्रॉपर आपके पास एक जो लेदर टेक्सचर होता है वो आपको इसमें दिख रहा है और ये जो कैमरा यूनिट है यहाँ पर आपके पास एक ऊपर की साइड आपको मिल रही है इसमें टॉर्च और दो कैमरा इसके अंदर मिल रहे हैं और जो कैमरा है वो है हंड्रेड मेगा पिक्सल का ओआईएस कैमरा थोड़ा सा कैमरा यूनिट जो है वो बंप इसका जो थोड़ा सा बाहर है तो अगर आप इस फोन को टेबल पे रखो तो आप देख सकते थोड़ा सा ये हिल रहा है बिकॉज उसका जो कैमरा बंप है वो थोड़ा सा बाहर है तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका डिजाइन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी है इस फोन की वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वीगन लेदर वाला है इसके अंदर फिनिश और एक और भी इसमें वेरियंट है जिसमें वीगन लेदर नहीं है वो नॉर्मल ब्लैक वाला है अब जल्दी से कर लेते हैं इस फोन को ऑन और देखते हैं इस फोन के फीचर्स तो ये हो गया है, हमारा फोन ऑन तो जब मैं, फोन इस कर रहा हूं, मैं देख सकता हूँ और, तो और इन फील भी इसकी अच्छी है और स्क्रीन पर आपको एक प्री अपलाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से दिया गया है तो वो आपकी चॉइस आप इसको रख सकते हो उतार सकते हो तो मैं तो इसको जरूर उतार दूंगा स्क्रीन की क्वालिटी आपको अच्छे से दिखा सकूं एंड अगेन इस फोन के अंदर भी हमें रियलमी यू आई फोर पॉइंट है तो वही सारी चीज रियलमी के फोन के साथ मुझे लगती है थोड़ी सी वो है ब्लॉटवेयर और यहाँ पर भी हमें ये सारी ऐप्स डालने के लिए बोल रहे हैं तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ तो इधर आपको पेटीएम और ये गेम वेम बोल रहा है तो इसको हम हटा देते हैं देखते हैं हटाने के बाद भी ये इंस्टॉल करता नहीं करता लास्ट टाइम तो इसने इंस्टॉल कर दी थी बट तो इस बार देख लेते हैं ऑटो अपडेट ओवरनाइट नाइट ग्लांस फॉर रियलमी मुझे नहीं सही लगता पर्सनलाइज सर्च मुझे नहीं चाहिए ग्लोबल सर्च भी मुझे नहीं चाहिए तो ऑटो अपडेट ओवर के अलावा मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया है तो ये हो गया हमारा फ़ोन सेटअप और सबसे पहली चीज़ जब हम देखना चाहेंगे कि इसमें कितनी ब्लॉडफेयर है तो यहाँ तक क्या आप देख सकते हो तो बहुत सारी ऐप्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं एंड अगेन फ्री हॉट गेम्स हॉट ऐप्स हॉट गेम्स ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हैं तो मैंने एक चीज़ अभी नोटिस करी कि रियलमी के फ़ोनस में जब आप सेटअप कर रहे होते हो इनिशियल सेटअप कर रहे होते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको ये सारी ऐप्स चाहिए नहीं चाहिए इस वाले फ़ोन में तो उसने पूछा भी नहीं और सीधा के सीधा मैंने देखा जस्ट वो दो तीन ऑप्शन इसने दिए पे टी एम वो भी मैंने हटाया था स्टिल इंस्टॉल हो गई पे इंस्टॉल फिर भी हो गया मैंने कहा था ना पेटीएम मैंने हटाया है फिर भी इंस्टॉल हो जाएगा तो अनवांटेड अनवान्ट्स हमने हटा लिए अब देख लेते हैं हमारे फ़ोन के फीचर्स को और कैसे सारी चीज़ें काम कर रही नहीं कर रही तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन ट्वेंटी हर्ट्स के डिस्प्ले तो मैं एक बार आपको उसका जो स्क्रीन गार्ड है वो हटा देते हैं हम इसके ऊपर से यहाँ पर अब जिसका कर्व है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इन हैंड फील लगैन इस फोन की मुझे बहुत ही सही लग रही है बाकी जो डिस्प्ले का है उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है टच रिस्पॉन्स भी अच्छा मुझे लगा और अभी ये काम अभी जो डिस्प्ले काम चल रही है वो चल रही है वन ट्वेंटी के ऊपर यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं तो जो डिस्प्ले है अभी यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑटो सेलेक्ट है तो हम इसको हाई पे कर देंगे ताकि 120 ट्वेंटी हर्ट्स ही ऑल टाइम रहे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है या फिर 60 हर्ट्स रख सकते हो 120 ट्वेंटी हर्ट्स रख सकते हो या फिर ऑटो कर सकते हो जहाँ इसको 60 की ज़रूरत होगी सिक्सटी देगा जहाँ वन ट्वेंटी की होगी तो 120 रहेगा तो आपकी चॉइस है उसके ऊपर तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस फ़ोन की ओएस तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अबाउट डिवाइस में जाके तो रियल मी यू आई टीबी की जो स्टोरेज है उसमें छब्बीस जीबी इसमें यूज है ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड सेवेंटी जीबी स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल रही है के अंदर. तो नौ सौ सत्तर जी बीबी बहुत सारा है बहुत सारी मूवीज वीडियो आप इसे शूट कर सकते हो अगर बात करें इसके हार्डवेयर की तो ये जो मॉडल है इसका आर एम एक्स थ्री सेवन सेवन वन मीडिया टेक डिमेंसिटी सेवेंटी फिफ्टी इसमें प्रोसेसर है पांच हजार एम एच की बैटरी है बारह जीबी की रैम ऑन बोर्ड है और डायनेमिक रैम इसमें और भी है तो इसमें बारह जीबी रैम आप और बढ़ा सकते हो इसकी डिजिटल रैम जो है वो एक्सपेंशन uh, कर सकते हो और, और जो कैमरा है फ्रंट कैमरा सोलह मेगा पिक्सल का है रियल कैमरा सौ मेगा पिक्सल एंड टू मेगा पिक्सल तो दो कैमरा इसके अंदर आई थिंक ये वाला जो है वो कैमरा नहीं है और जो वर्जन है वो है 13। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 इसके अंदर मिल रहा है 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 और जो सिक्योरिटी का पैच है, वो है 5 अप्रैल 2023। तो आई थिंक अगर हम चेक करेंगे इसका अपडेट का तो हम श्योर इसके अंदर अपडेट कोई ना कोई आया होगा तो अपडेट अभी फिलहाल कोई नहीं है रियलमी तो के फोन में आपको ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं एज अ रियलमी लैब के अंदर वो है डोल मोड ऑडियो तो दो आप इसमें ब्लूटूथ ईयरफोन पेयर कर सकते हो स्लीप कैप्सूल वो भी कर सकते हैं जिससे आप अपनी जो बेटर स्लीप ये सब चीज कर सकते हो और एक और चीज है वो है हार्ट रेट मेजरमेंट जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो उससे आप इसकी हार्ट रेट अपनी मेजर कर सकते हो अब कितना एक्यूरेट है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता लेकिन फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर से हार्ट रेट आप मेजर कर सकते हो अगेन अच्छा ऑप्शन है कैजुअल रीडिंग अभी करनी है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो और अब चेक कर लेते हैं इस फोन के कैमरा तो यहाँ पर आपके पास कैमरा का जो लेआउट है वो कुछ ऐसा है आपके पास सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे नाइट फोटोग्राफी और यहाँ पर वन एक्स टू एक्स है और उसके बाद स्ट्रीट तो जो रियलमी के स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड है मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ उससे खींचते हैं तो स्ट्रीट मोड मैं तो नहीं ढंग से यूज़ कर पाया और उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है वीडियो तो जो वीडियो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेन एटी पी एस भी आपको इसके अंदर मिल रहा है तो वीडियो के बाद जो ऑप्शन है वो है फोटो फिर है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड और सौ मेगा पिक्सल का जो मोड है आपको एक सेपरेट दिया गया है एंड देन यहाँ मोर मोड में आपको ये सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं तो मून मोड मुझे लगता है इस फोन में नहीं होगा बिकॉज ये दो सौ मेगा पिक्सल वाला कैमरा तो इसके अंदर नहीं है सौ मेगा पिक्सल का इसमें कैमरा है तो मैं एक बार जब कैमरा का टेस्टिंग करेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि मून मोड इसके अंदर है या नहीं है वो भी हम चेक कर लेंगे तो फ्रंट कैमरा में जो वीडियो का आउटपुट है वो रिस्ट्रिक्टेड है टेन तक ही तो आपके पास सेवन और टेन वो भी थर्टी फ्रेम पे ही मिल रहा है तो वो थोड़ा बेटर होता 60 fps होता तो ठीक रहता तो अभी मैं फोन में इसमें कुछ एप्स और गेम्स डाल लेता हूँ और कुछ बेंच भी ऐप्स डाल लेंगे और देखते हैं कैसी आ रही है इसकी परफॉर्मेंस तो कुछ देर मैंने ये फोन यूज किया और सबसे पहले अगर बात करें हम इसके कैमरा की तो जिसका फ, बैक कैमरा है रेयर कैमरा है सौ मेगा पिक्सल का उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी तो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में मैंने फोटोज़ क्लिक करी कुछ दिन में कुछ इंडोर में और रात का टाइम अभी हुआ नहीं तो रात को भी मैं फोटोज़ क्लिक करके भी दिखा दूंगा तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसी आई इसकी फोटोज़ तो ये रही कुछ फोटोज़ जो हमने दिन में क्लिक करी डे टाइम में और आप देख सकते हो तो डिटेल इसमें काफ़ी अच्छी है और सौ मेगापिक्सल वाली जो फोटो है वो ये है और इसमें भी आप डिटेल चेक कर सकते हो और एक चीज़ इसके अंदर आपको मिलता है 1x और 2x का ही जूम और एक ऑटो जूम भी आपको ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप डबल टैप अगर कहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को जूम करके आपको क्लिक पिक्चर क्लिक कर देगा तो विच इज़ गुड जो बैक कैमरा से हमने वीडियो शूट करी वो थी 4K 60 FPS में और यहाँ पर मैं आपको एक बार सैंपल एक वीडियो दिखा देता हूँ वो कैसी आई और ऐसी आवाज़ इसकी माइक की आएगी और वीडियो वाइज मैं बोल सकता हूँ तो देख सकते हो कि थोड़ा सा डायनेमिक में जैसे स्काई था वो ब्लोन आउट नज़र आ रहा था और थोड़ा टाइम लगा उसे ब्लू होने में और ओवरऑल आप देख सकते हो कि ओ तो नहीं काम करता 60 एफ में बट uh, यहाँ पर अगर हम जूम करें तो ज़ूम इसका ठीक है इतना ख़ास नहीं है लेकिन ओवरऑल वीडियो का आउटपुट आपको मैंने दिखा दिया है तो ये इसके फ्रंट कैमरा के 1080p 30fps पी थर्टी एफ का आउटपुट है माइक की क्लैरिटी आप सुन सकते हो कैसी आ रही है इसकी आवाज़ 60fps होता तो मुझे लगता है अच्छा होता तो जैसा आपने देखा कि इसकी जो क्लैरिटी है बैक कैमरा की रेयर कैमरा की जो मेन कैमरा है वो अच्छे से काम कर रहा है और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि कैमरा की क्वालिटी अच्छी है फोटोज़ की क्वालिटी अच्छी है शार्प है ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है थोड़ी नेचुरल इसमें मुझे फील आ रही है बाकी कुछ दिनों में इसको और भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या इसका हम कोई कंपैरिज़न वीडियो आपको लेकर आए अगर आप चाहते हो ऐसी ही तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो जो फ्रंट कैमरा का इसमें मैंने कुछ सेल्फी फोटोज दी सेल्फी की डिटेल्स आपको देख सकते हो कुछ ऐसी थी और इसका जो पोर्ट्रेट मोड था वो भी कुछ ऐसे काम कर रहा है तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के हार्डवेयर की परफॉर्मेंस की तो सबसे पहले हमने इसे कुछ बेंच टेस्ट भी रन किए स्पेशली गीत बैंक एंड ऑन टू टू एक बार आपको स्कोर दिखा रहा था कैसा इसका स्कोर आया तो जो गीत बैंक स्कोर था वो था यहाँ पर सिंगल कोर का नाइन और डबल टू और ये जो स्कोर है गीत बैच सिक्स का मुझे बोल सकता हूँ कि इस हार्डवेयर के हिसाब से ये रिसेंट है और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बार आपको ऑन टू टू का स्कोर दिखा तो ऑन टू टू का जो स्कोर था वो था पांच लाख चौसठ हजार है का का उसके हिसाब से जो स्कोर है का, वो ठीक है इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी की जो डिस्प्ले है इसकी एज यू नो डिस्प्ले है और डिस्प्ले में जो अगेन कर्व्ड है और इसका जो आउटपुट है मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसे कुछ वीडियोस भी देखी और जो वीडियोस में मुझे अच्छी चीज लगी कि इसमें जो आउटपुट है क्लैरिटी है वाइब्रेंट काफी इसकी स्क्रीन है तो वीडियो के लिए भी ये अच्छी है स्क्रीन और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो मुझे लगता है 93 94 परसेंट कुछ ऐसा है और उसके हिसाब से अगर आप यू नो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो या मूवीज़ देखते हो नेटफ्लिक्स पे तो ये ठीक काम कर रहा है और ये एच डी प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो भी सपोर्ट करता है तो नेटफ्लिक्स पर भी आपको अच्छा सा आउटपुट आएगा इसमें और गेम खेलते हुए मैं आपको बताऊँ गेमिंग के टाइम मैंने इससे पबजी खेली पबजी नहीं बी खेली तो बी के अंदर जो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस है मुझे ठीक लगी एंड टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है इसमें कुछ आई थिंक इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो कुछ ज़्यादा है आ, कुछ इसमें स्पेशल इसमें कोई टेक्निक दी गई है जिससे जो अगर आप ऐसी फास्ट यू नो फर्स्ट पर्सन या शूटिंग गेम्स खेलते हो तो उसके हिसाब से इसमें टच मुझे अच्छा लगा तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि बी जी की इसकी मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स आपको क्या मिलती है इस फोन में तो ये हो गई हमारी बी जी एम ऑन और यहाँ पर अगर हम जाएँ सेटिंग्स में और जाएँ अगर ग्राफिक्स में तो ये जो ग्राफिक सेटिंग्स है ये है हाई एच डी बट आप इसे अल्ट्री अल्ट्रा और एच डी आर भी कर सकते हो और अगर हम इसमें करें स्मूथ तो यहाँ पर एक्सट्रीम तक जा सकता है तो ये स्मूथ ग्राफिक्स एंड एक्सट्रीम एफ पी एस आपको इसमें मिल सकता है विच इज़ गुड और मैंने इससे ये बीजे बाइक खेली भी थी थोड़ी देर पहले तो मेरे को गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा लगा जो स्पीकर हैं इसमें डोल स्पीकर हैं दोनों टॉप एंड बॉटम दोनों की जो स्पीकर की आवाज़ थी आउटपुट था वो अच्छा है एक्चुअल में अच्छा है Uh, काफ़ी सारे फ़ोन होते हैं जिनमें स्पीकर uh, होते जरूर डुअल है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं होती बट मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी और जो डॉल्बी एटमोस की मैं बात आपको पहले कर रहा था कि इसमें डॉलबी एटमोस का सपोर्ट भी मिलता है तो डॉलबी एटमोस आप सिर्फ ईयरफोन्स के साथ ही इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो अगर आपके पास कोई ईयरफोन्स है जो डॉल्बी सपोर्ट करते हैं तो वो अच्छे से आपको इसका एक्सपीरियंस आएगा और आखिर में अगर हम बात करें इस फ़ोन की बैटरी की तो पाँच हज़ार एम की बैटरी है इसके अंदर और 67 सेवन वॉट की चार्जिंग का इसे सपोर्ट करता है और पाँच हज़ार की बैटरी जो मुझे लगता है कि मेरे Uh, जैसे मैं यूज़ करता हूँ फ़ोन एक से डेढ़ दिन ईजिली बैकअप आपको मिल जाना चाहिए इस फ़ोन से आपको और जो चार्जिंग है सिक्सटी सेवन वॉट की इससे अगर जीरो टू हंड्रेड इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो अराउंड फोर्टी फाइव मिनट्स के करीब है और चार्जिंग के टाइम पे जैसे आप इसमें अब चार्ज अब चार्जर प्लग इन करोगे तो आपको सेम एनिमेशन आ जाएगा ये वाला और ये है सुपर वूक सिक्सटी सेवन वॉट चार्जिंग और यहाँ परसेंटेज आप देख सकते हो तो ये जो चार्जिंग एनिमेशन है मुझे लगता है ओप्पो वन प्लस एंड रियलमी ये सब में सेम हो गया है तो जैसा आप देख सकते हो इस फोन में मैंने अपनी सिम डाल दी है और यहाँ पर फाइव नेटवर्क का सपोर्ट आ गया है तो एयरटेल की सेम है हालांकि यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क इतना अच्छा है नहीं जहाँ मैं हूँ बट uh, मैं इसको टेस्ट करूँगा और वो टेस्ट करने के बाद वो भी आपको बता दूंगा कि इसकी कॉल की क्लैरिटी कैसी थी और इसका जो नेटवर्क uh, की स्पीड थी वो भी कैसी थी बट ओवरऑल अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस इस फोन के साथ रहा है रियलमी नार्जो सिक्सटी प्रो के साथ वो अच्छा रहा है दिखने में हालांकि जरूर ये थोड़ी सिमिलरिटी है एक दूसरे फ़ोन से लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है डिसेंट परफॉर्मेंस है डिस्प्ले का आउटपुट बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए भी अच्छा फोन है ऑडियो भी इसका आउटपुट अच्छा है तो ओवरऑल अगर आप एक गुड लुकिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो विद डीसेंट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन तो मुझे लगता है कि रियलमी का जो नार्जो 60 प्रो है ये एक अच्छा फोन है आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो और इसका जो प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से नॉर्मल बेस वेरिएंट का पच्चीस के आसपास होना चाहिए सिक्सटी का थोड़ा और कम होना चाहिए बट सिक्सटी प्रो का पच्चीस से तीस वन टीबी वाला थोड़ा और ऊपर हो सकता है तो कैसा लगा आपको ये फोन मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो चल गई तो लाइक का बटन जरूर दबा देना चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय